हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हींग की कचौड़ी। ये डिश मेरे बनारस में बहुत फेमस है। कचौड़ी गली नाम की एक गली है जहाँ पे कचौड़ियाँ बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस डिश को आपके साथ शेयर किया जाए। अरे हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। हींग की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी मैदे को छन्नी से छान करके साफ कर लेते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे छान लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके इसे ढक देंगे। चलिए देखते हैं अब स्टफिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3 बॉइल्ड आलू, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा और स्वाद अनुसार नमक। जीरा, हमारे कचौड़ी की जान हींग, बारीक कटी हुई अदरक में हल्की सी फ्राई की हुई। चलिए फटाफट से इसको भून लेते हैं। कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम हींग डालेंगे। फिर इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों को हल्का सा चला करके इसमें आलू डाल देंगे। आलू को फोड़ करके मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू को थोड़ा भून लेते हैं। आलू अच्छे से भून गया है, अब इसमें फ्राई की हुई अदरक मिर्च हम डाल देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया। इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। तब तक कचौड़ी के लिए पूड़ियां बना लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने डो तैयार किया था उसका छोटा छोटा पेड़ा बना लिया है। चकले पे थोड़ा सा तेल लगा करके पूड़ियां बेल लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया था वो इसमें भर लेते हैं। मैं इसे गोल शेप दे रहा हूँ, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मेरे यहाँ ये कभी गोल, कभी चिपटी, कभी छोटी, तो कभी अलग अलग शेप में भी मिलती है। इतने आटे से मेरी 11 कचौड़ियाँ बनी हैं। बस अब इसे तल लेते हैं। कढ़ाई में कचौड़ी तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। कचौड़ियों को सुनहरा होने तक तल लेंगे। इसी तरह सारी कचौड़ियां तल लेंगे। अब इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में इसे रख के थोड़ा फोड़ देंगे। अब इसके ऊपर चने की सब्जी, अगर आपके पास हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, ना हो तो आप इसके ऊपर कोई भी खट्टी मीठी चटनी डाल करके भी सर्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे चने की सब्जी के साथ ही इसे सर्व किया जाता है। अब इसके ऊपर कद्दूकस की हुई मूली डाल देंगे जिससे इसे देखते ही खाने का मन करने लगेगा। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और पुदीने की पत्ती या धनिया की पत्ती से इसे गार्निश करके इसे सर्व कर देंगे। अगर आपको बनारसी हींग की कचौड़ी पसंद आई हो तो इसे जरूर घर पे बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो बनारस की डिशेस को घर बैठे ही एंजॉय कर सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं फिर लौटूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।